सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाइफा स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड बीटीसी के जो मैथ के पेपर वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मैंने पहले इसके पहले वाले जो पेपर थे प्रीवियस पेपर में मैंने देखा है कि जो इस ये तीन टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं मैथ के पेपर में। जैसे कि पहला आप लोग देख सकते हैं कि 98760 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने देखा है प्रीवियस पेपर में अधिकतर पूछा गया है मैथ में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को क्लियर करूँगा स्थानीय मान और वास्तविक मान क्या होता है, और इन दोनों में वास्तविक मान और स्थानीय मान में अंतर क्या होते हैं, और 98769 में 8 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में क्या अंतर होगा, तो इसके बारे में दोस्तों आपको चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, वास्तविक मान आखिर होता क्या है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अधिकतर जैसे 18 क्वेश्चन पूछे गए पेपर में, तो यहाँ पर इस टाइप के लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन दे दिया गया ये स्थानीय मान निकालिए, और दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया स्थानीय मान वास्तविक मान में अंतर आखिर होता क्या है, और 98 हालांकि कितने लोगों को ये पता है कि स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर क्या होता है, लगभग ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि क्या होता है। और तीसरा टाइप आता है 8 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में आखिर अंतर क्या होता है, इसके मान में यानी इस संख्या के 8 का जो 8 है उसमें स्थानीय और वास्तविक मान में क्या अंतर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। देखो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे हमारा बन रहा था कि 98760, यहाँ पर मैंने संख्या लिख दी 98760। अब इसमें क्या बताया गया था कि 7 का स्थानीय मान निकालिए। देखिए दोस्तों, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे स्थानीय मान 0 का कितना हुआ, 0 हो गया, 7 का कितना होगा, 6 हो गया, और इसके बाद कितनी संख्याएं हैं उतने 0 लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 6 जैसे है, 6 के बल कितने 0 हैं, सॉरी कितने संख्याएं हैं, एक संख्या 0 है, तो यहाँ पर हमने 0 लिख। उसके बाद 7 का निकालना, तो 7 के निकालने के लिए हम लोग सिंपली 7 लिख देंगे। उसके बाद कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, यहाँ पर एक 6 संख्या है, यहाँ पर एक 0 संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कितनी संख्या बनी हमारी, 2 संख्याएं बनी, तो यहाँ पर कितने 0 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमको 8 की निकालना है, 9 और 8 बचा हमारा, ठीक है, क्या बचा, 9 बचा और 8 बचा। उसके बाद क्या था, 760 था, तो हमको 98 का निकालना है, तो 8 के पीछे कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो हम 8 लिख के सिंपली इसमें क्या कर देंगे, 3 संख्याएं ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 संख्याएं, इनमें 3 संख्याओं के बदले 0 0 0 ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा 9 का निकालना है, तो 9 के पीछे कितने संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9, और यहाँ पर कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 4 0। तो पहले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ कि जो हमारी संख्या थी 98760 थी, यानी जो संख्या थी, तो इसमें क्या हो गया कि जो इसका 7 का स्थानीय मान होगा, तो वो 7 का स्थानीय मान हमारा निकाल के आएगा 700। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता क्या है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन देख। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि स्थानीय मान और वास्तविक मान में क्या अंतर होता है। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, स्थानीय मान और वास्तविक मान में आखिर अंतर क्या होता है। तो चलिए हम लोग ये बताते हैं स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्थानीय मान जो होता है, देखिए एक तो होता है स्थानीय मान और एक होता है हमारा वास्तविक मान, ठीक है। स्थानीय मान और वास्तविक मान में आखिर अंतर क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने संख्या अभी इससे पहले लिखी थी 98760, ठीक है, तो इसमें स्थानीय मान जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पर अपना मान लेते हैं एक स्थानीय मान और वास्तविक मान। देखिए जैसे यहाँ पर हमने 7 मान लिया, तो ठीक है 7 में अभी हमको निकालना है, जैसे स्थानीय मान निकालना है, तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 7 लिख देंगे, उसके बाद इसके पीछे संख्या कितनी है, तो एक संख्या 2 संख्या यानी 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्थानीय मान। अब हमको निकालना क्या है, वास्तविक मान निकालना है 7 का, ठीक है। वास्तविक मान वही होता है जो वो खुद संख्या होती है, उसी को कहते हैं हम वास्तविक मान। यानी जो यहाँ पर संख्या कितनी है, 7 है, चाहे आप 6 ले लीजिए, चाहे 0 ले लीजिए, चाहे 8 ले लीजिए, चाहे 9 ले लीजिए, अगर यहाँ पर पूछता है 8 का स्थान सॉरी वास्तविक संख्या क्या होगी, तो वास्तविक संख्या हमारी 8 ही हो जाएगी, और 9 का पूछ लेता है, तो 9 की भी हमारी जो वास्तविक संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 9, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है कि स्थानीय मान वो संख्या होती है जो निकालते हैं, जैसे हम लोग 98760, इसमें हमको स्थानीय मान निकालने के लिए उसके पीछे की संख्याएं जितनी भी होती हैं
उन संख्याओं को गिन करके कि कितनी संख्याएं हैं और उसी हिसाब से हम जीरो बढ़ा देते हैं। ये हमारा हुआ शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट कह लीजिए। जैसे हमको आठ का निकालना है तो आठ लिख देंगे, उसके पीछे कितनी संख्याएं हैं तो तीन संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पर क्या बढ़ा लेंगे, तीन जीरो अपना बढ़ा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा स्थानीय मान निकालना। और अगर यहाँ पर बात करते हैं वास्तविक मान की, तो वास्तविक मान में क्या होता है, वास्तविक मान में जैसे हमको निकालना है 8 का, तो 8 खुद में अपना वास्तविक मान है। अगर 8 का हम लोग पूछेंगे कि 9 8 7 6 0 में 8 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 8 का वास्तविक मान 8 ही होगा। उसके बाद हमारा एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, तीसरा क्वेश्चन आप लोग समझ लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है थर्ड नंबर, ये जो पॉइंट है, इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन होते हैं। ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं क्वेश्चन की 9 8 7 6 9 में ये जो संख्या दी गई है इसमें 8 के स्थानीय और वास्तविक मान में क्या अंतर होगा। ठीक है, इसके जो स्थानीय मान होगा और वास्तविक मान होगा, इन दोनों मानों में आखिर अंतर कितना होगा। तो दोस्तों इसको भी आप लोगों को बहुत कायदे से समझना है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 9 8 7 6 9 में 8 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्थानीय मान लिख लेंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, यहां पर लिख लेंगे 8 लिख लेंगे, स्थानीय मान निकालने के लिए कितनी संख्याएं, पीछे तीन संख्याएं, तो हम लोग तीन जीरो लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर उसके बाद आएगा कि 8 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 8 का वास्तविक मान हो जाएगा हमारा 8, यानी स्थानीय मान 8000 हो गया और वास्तविक मान हो गया हमारा 8। अब इसमें से क्या करेंगे, इन दोनों में अंतर कितना है, तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंतर का मतलब होता है माइनस यानी घटाना। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जाता है कि इन दोनों के बीच में अंतर बताइए, इन दोनों के मानों के बीच में अंतर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो यहाँ पर क्या करें, अंतर निकालने के लिए 8000 से माइनस कर देंगे 8 को, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 2, और इसके बाद इधर 9 बज गया और यहाँ पर 7 बच गया। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 7992। कितना आंसर आ गया, 7992। दोस्तों यही हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये तीनों टाइप आपको पसंद आएंगे या फिर तीनों टाइप आपको समझ में आए होंगे दोस्तों, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि वास्तविक स्थानीय मान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में BTC के। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि प्रीवियस पेपर में मैंने भी देखा है इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए।